हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक हम चैप्टर कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। दो क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं और आज ये तीसरी और इस चैप्टर पे आखिरी क्लास होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमने करंट के बारे में पढ़ लिया, हमने उसके हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया है ना, और लास्ट इलेक्ट्रिक फ्यूज तक हमने कवर कर लिया था। आगे चलते हैं, आज करंट का एक और इफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो क्या होता है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? देखो, जैसे हमें हीटिंग इफेक्ट के बारे में पता चला कि किसी करंट कैरिंग वायर से अगर करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो वो वायर क्या हो जाती है, हीटअप हो जाती है। उसको हमने बोला था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसका यूज करके हमने डिफरेंट अप्लायंसेस में यूज किया था, बनाया था, है ना। इसी तरह आपका हमें पता चला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। और ये कैसे पता चला? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था आपका, ऑरेस्टिड था, ठीक है, इनका सरनेम था ये। वो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट के कारण हमें पता चला कि एक करंट कैरिंग वायर किसकी तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, ठीक है, वही मैं जो बता रहा हूं, एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो ये पता चला था कि किसी भी सर्किट से, करंट से जब करंट फ्लो होता है तो क्या करता है, वो वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उन्होंने कैसे किया, कैसे पता चला, तो देखते हैं इसके। देखो क्या किया था उन्होंने, एक सर्किट डिजाइन किया था, ठीक है, एक सर्किट डिजाइन कर लेते हैं आपका, एक इसमें बैटरी लगा लेते हैं, ठीक है। अब उन्होंने ऐसा ही कुछ किया था, और यहां पे आपका क्या लगा लेते हैं, एक स्विच लगा लेते हैं, और ये आपका एक सिंपल सर्किट हो गया, है ना, एक सिंपल सर्किट हो गया। अभी देखो ये आपका क्या है, ये आपकी बैटरी है, और ये आपकी वायर है, और ये क्या है आपका स्विच है। अभी तो ये क्या है आपका ऑफ है ना, ये अभी ऑफ है, इसको क्या किया, ऑन कर देते हैं ना, इसको ऑन कर देते हैं। देखो कैसे ऑन करेंगे इसको, अब स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। अब स्विच को जैसे ही ऑन किया तो हमें पता है करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ एक करंट आई, आपका क्या होगा इस सर्किट में फ्लो होगा, है ना। तो वो क्या, उन्होंने क्या किया, एक है ना कंपास को इसके पास रखा, ठीक है। कंपास पता ही आपका, हम मैग्नेटिक कंपास यूज करते हैं डायरेक्शन बताने के लिए, है ना। तो ये कंपास की निडल है, इसको इसके पास ला के रखा इन्होंने, ये क्या आपका कंपास है, ठीक है। तो देखा जैसे इसके पास लेके आए, इस कंपास के निडल में क्या होने लग गया, डिफ्लेक्शन होने लग गया, है ना। कंपास की निडल कैसे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके स्टेबल होती है, तो उसमें डिफ्लेक्शन होने लग गया। अब देखो कंपास किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसको किसी मैग्नेट के पास ले जाओ तो उसके कारण इसमें डिफ्लेक्शन आता है। अब यहां पे तो हमें कहीं मैग्नेट दिख नहीं रहा, ठीक है, तो उनको ये डिफ्लेक्शन दिखा, तो ये तो बड़े स्ट्रेंज बात हुई कि भाई यहाँ पे कोई मैग्नेट भी नहीं है, ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, और फिर भी इसमें क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है, क्या रीजन हो सकता है। फिर उन्होंने एक और चीज किया, उन्होंने स्विच को ऑफ कर दिया, डिफ्लेक्शन आना बंद हो गया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अब क्या करें, तो उन्होंने एक और चीज की, अब की बार फिर से स्विच ऑन किया, डिफ्लेक्शन आ रहा था, लेकिन इस बार उन्होंने टर्मिनल्स को उल्टा कर दिया, इधर नेगेटिव कर दिया, इधर पॉजिटिव कर दिया, तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो गई, बदल गई, ठीक है। करंट की वैल्यू बढ़ा दी उन्होंने, तो डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होने लग गया, करंट की वैल्यू कम कर दी तो डिफ्लेक्शन कम होने लग गया। ये सारी चीजें उन्होंने ऑब्जर्व करी, तो वहां से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ऐसा तो तभी हो सकता है जब आसपास मैग्नेट हो, और कोई चमत्कार तो है नहीं, कोई जादू भी नहीं है यहाँ पे। तो वहां से कंक्लूजन निकला कि पक्का ये जो करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, जब करंट फ्लो हो रहा है तभी डिफ्लेक्शन आ रहा है, बंद हो रहा है तो नहीं आ रहा, तो पक्का ये वायर ही क्या कर रहा है आपका, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। यहीं से हमें पता चला कि एक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, और इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक
करंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो यहां पे देखिए उन्होंने वही दिखाया हुआ है, यहां पे आपका ये आपका देखो कंपास है, है ना, और ये बल्ब है। बल्ब इसलिए पता करने के लिए कि स्विच ऑन है तो ये बल्ब ग्लो हो रहा होगा तो करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, बस वेरीफाई करने के लिए। तो यहां से देखो करंट जाएगा, यहां से अगर ये स्विच को हम यहाँ पे ऑन कर दें तो ये करंट यहां से फ्लो होगा, और ऐसे करता हुआ ये बल्ब भी क्या होगा आपका, ये बल्ब भी ग्लो होगा, तो क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है। और जब कंपास को रखेंगे इस पे तो ये क्या होगा, इसमें निडल में डिफ्लेक्शन आने लग गया है ना। तो ये क्या था आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही इन्होंने किया था। देखो इन्होंने वही बोला कि कार्डबोर्ड का ट्रे लिया था, एक मैच बॉक्स का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर मैच बॉक्स के अंदर आपने क्या रख दिया, एक कंपास रख दिया, और जब स्विच को ऑन किया तो उसके निडल में क्या आने लग गया, डिफ्लेक्शन आने लग गया, यानी ये जो वायर है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो, अब जैसे हमने हीटिंग इफेक्ट का अलग अलग यूज किया, अलग अलग अप्लायंसेस में यूज किया और अपने जरूरत के हिसाब से चीजें बनाई, उसी तरह यहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट का भी क्या हुआ, यूज किया हमने और अपने जरूरत के हिसाब से चीजें बनाई, तो उसमें ही एक आता है आपका क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो एक जो नेचुरल मैग्नेट आपको मिलता है, ठीक है, जो स्टोन का होता है, वो उसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है और है वो फिक्स है, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जितना है उतना है, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको घटा बढ़ा नहीं सकते। बट ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे आपने स्पीकर देखा होगा, क्रेन्स में, बड़े बड़े क्रेन्स में, टीवी में, ठीक है, मोबाइल में, इन सब में आपका मैग्नेट का यूज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसका जो स्ट्रेंथ है वो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, हम चाहते हैं तो उसको मैग्नेट एज अ मैग्नेट भी बना सकते हैं, और चाहें तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट हम खत्म भी कर सकते हैं। वो कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ, ये नेचुरल के साथ तो पॉसिबल नहीं था। तो देखो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, नाम से ही पता चल रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है आपका, एक आप क्या करो, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लो जो इस कॉइल के शेप में हो, है ना, कौन सी वायर है आपकी, कॉपर वायर, और इसके अंदर आप क्या करो, एक आयरन की नेल डाल दो, है ना, कील या कुछ भी, एक जस्ट एक एग्जांपल है ये, आप कोई भी एक आयरन का पीस डाल सकते हैं, जनरली हम सॉफ्ट आयरन पीस डालते हैं, और इस कॉइल को आप क्या करो, एक सेल से या बैटरी से क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, तो इसमें क्या होगा, स्विच क्या कर दो, ऑन कर दो, यहां पे स्विच लगा दो, चलो भाई ऑन कर देते हैं, तो जैसे ही स्विच ऑन होगा इसमें से करंट क्या होगा आपका, फ्लो होगा ना, इस तरीके से आपका करंट जाएगा इस कॉइल में। और अभी हमने पढ़ा कि एक करंट कैरिंग वायर, ये वायर ही तो है, कॉपर का है, बस हेलिकल शेप में है ये, ठीक है, इसको हम सोलेनोइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा था कि एक करंट कैरिंग जो वायर है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, और वायर कैसी होनी चाहिए, इंसुलेटेड, ऐसा नहीं है कि ये आपने खुली वायर रख दी, वायर कैसी होनी चाहिए, इंसुलेटेड, हमें मैग्नेट बनाना है, ठीक है, इंसुलेटेड वायर होनी चाहिए। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, इसके अंदर आपने सॉफ्ट आयरन या आयरन नेल रखा हुआ है, ये भी आपका क्या होगा, एक मैग्नेट की तरह क्या होगा, बिहेव करने लग जाएगा, है ना, ये भी किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, ये आयरन नेल भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। इसके साथ सबसे अच्छी बात यह है, ये तभी तक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब तक इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, अदरवाइज जैसे ही स्विच ऑफ करोगे दोबारा से अपनी पहले वाली स्टेज में आ जाएगा। और हम इसका जो मैग्नेटिक पावर बोल लो, स्ट्रेंथ बोल लो, उसको भी अपने जरूरत के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो देखो वहां पे वही एग्जांपल लिया है, देखो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कॉइल ऑफ, और मैंने क्या बोला था, इंसुलेटेड, जिसके ऊपर कवरिंग हो, ठीक है, कॉपर की खुली वायर नहीं लेनी, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होनी चाहिए, इंसुलेटेड वायर वाउंड मतलब लिपटा हुआ अराउंड अ पीस ऑफ आयरन, इट बिकम्स अ मैग्नेट, तो किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एंड उस तरह के मैग्नेट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो
मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ और उसके कारण वो मैग्नेट बना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, एक्टिविटी में वही देख लो आप कि एक आयरन नेल है जो मैंने अभी बताया आपका, इसके चारों ओर देखो ये वायर कॉइल फॉर्म में लिपटा हुआ है, यहां से बैटरी और ये स्विच है। ठीक है, और जैसे ही आप इस स्विच को क्या करोगे, ऑन करोगे, इसमें से इस तरीके से क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा, है ना, इस तरीके से करंट फ्लो होता हुआ ऐसे आएगा। और ये जो आपका आयरन नेल है ये क्या बन जाएगा, आप ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। और इसका हम एज ए मैग्नेट यूज कर सकते हैं, इसके पास अगर मैं आयरन की कुछ पिंस लेके आऊं या कुछ भी लेके आऊं तो ये क्या करेगा, इसको चिपका लेगा क्योंकि एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम बहुत कई जगह यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिया आपको। ठीक है, क्रेन्स में यूज होता है, आपकी बड़ी बड़ी हैवी चीजें उठाने के लिए यूज होता है आपका। ठीक है, आपके स्पीकर्स में यूज होते हैं, बहुत जगह यूज होता है, आपके बड़ी बड़ी मशीन्स में यूज होते हैं, है ना, स्क्रैप अलग करने के लिए आयरन से रिलेटेड यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, इसका भी मैंने बोला कि इसका स्ट्रेंथ हम अपने जरूरत के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं देखो जरा। इसके अंदर एक को आपको क्या रखना है, एक सॉफ्ट आयरन, है ना। सॉफ्ट आयरन क्या होता है आपका, एक ऐसा मटेरियल होता है, आयरन तो होता है लेकिन ऐसा होता है जो अपने अंदर से मैग्नेटिक, जब मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड्स निकलती हैं, इसको ऐसे समझ लो, और वो इससे ज्यादा से ज्यादा पास होती है, इसलिए और अच्छा मैग्नेट बन पाता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन को। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें करंट आपका क्या हुआ, फ्लो हुआ, और ये आपका क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना, ये क्या बन गया आपका, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, अब इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाओगे, तो क्या करो, ये क्या है आपका कॉइल, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स है, एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, चार टर्न, पांच टर्न है, अगर इसी को मैं टर्न्स को बढ़ा दूं, जितना नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। दूसरी बात, आप करंट इंक्रीज कर दो, अगर आप करंट भी इंक्रीज कर दोगे तब भी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इस तरीके से हम इसकी स्ट्रेंथ को कम ज्यादा कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए या करंट बढ़ा दीजिए। ठीक है, और इसको जब आप को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना हो तो ऑन कर दो, मैग्नेट बन जाएगा, और बंद करना हो तो ऑफ कर दो, तो मैग्नेट दोबारा से अपनी पहले वाली पोजिशन में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपने पढ़ा हुआ हर मैग्नेट का क्या होता है, पोल होता है ना, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। तो अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका भी कुछ पोल होगा, है ना, क्या, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। पता कैसे चलेगा कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ, तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट में जिस तरफ से करंट तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिखे फ्लो होता हुआ, है ना, एंटी क्लॉकवाइज समझते हो ना, घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में, ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो जहां से तुम्हें अगर देखने पे एंटी क्लॉकवाइज दिखे वो कैसा है आपका, नॉर्थ पोल। तो देखो इधर से एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया नॉर्थ, जब ये नॉर्थ हो गया तो उसका अपोजिट साउथ, यानी जिस तरफ से आपका करंट क्लॉकवाइज दिखे, एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया आपका नॉर्थ। ठीक है, और यहां पे कैसा, ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्लॉकवाइज आपका कैसा हो गया साउथ, तो ये नॉर्थ की जगह यहां पे क्या कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, ऐसे जा रहा है ये, तो इधर की साइड क्या हो गया आपका साउथ हो गया, तो ये कैसा हो गया आपका नॉर्थ हो गया, है ना, ये याद रखना है, जहां से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखे ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज, है ना, डायरेक्शन, तो वो कैसा होता है आपका नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करता है, और ये कैसा है आपका क्लॉकवाइज
तो किसकी तरह बिहेव करता है, आपका साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। यूजेस हम ऑलरेडी देख चुके, अभी मैंने बता दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका एक और यूज देखते हैं। अब देखो ये बड़ा अच्छा यूज है जो आपने देखा भी होगा, क्या इलेक्ट्रिक बेल में, है ना, आपके स्कूल में क्लासेस में इलेक्ट्रिक बेल लगा रहता है ना, जब भी पीरियड होता है, स्कूल स्टार्ट होता है तो आपका क्या होता है, बेल रिंग होती है ना, या तो कैसे काम करता है ये, तो देखो इलेक्ट्रिक बेल ये आपकी पिक्चर है और इसका ये अंदर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है उसको समझाया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक बेल हैज अ कॉइल ऑफ वायर वाउंड अराउंड अ पीस ऑफ आयरन विच एक्ट्स लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। तो इलेक्ट्रिक बेल में देखो, ये देखो ये आयरन है, नॉर्थ साउथ अभी मैंने बताया था, है ना, सॉफ्ट आयरन, और इसमें ऐसे क्या है, वायर वाउंड हो रखा है, लिपटा हुआ है, ठीक है, इंसुलेटेड वायर। तो ये किस, ये क्या हो गया आपका, किसकी तरह बिहेव करेगा ये, ये हो गया आपका इलेक्ट्रो मैग्नेट, ठीक है, ये इलेक्ट्रो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ये तो लिखा हुआ है पीस ऑफ आयरन विच एक्ट्स लाइक एन इलेक्ट्रो मैग्नेट। फिर लिखा है एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर इज कैप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रो मैग्नेट। अब देखो यहां पे ये आयरन स्ट्रिप है और इसमें ये देखो हैमर लगा हुआ है जिसके टकराने से आवाज आएगी, है ना, तो ये क्या है आपका, ये आयरन स्ट्रिप है और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास में रखा हुआ है ना, क्लोज टू द मैग्नेट। अब देखो काम कैसे करता है, व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टेक्ट विद द स्क्रू, देखो यहां पे एक स्क्रू है आपका, ठीक है, ये देखो यहां पे ये क्या है आपका, स्क्रू है, ठीक है, द करंट फ्लोस थ्रू द कॉइल एंड इट बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखो यहां से जैसे ही आपने क्या किया, स्विच ऑन किया, करंट इधर से जाएगा और ये इसके कांटेक्ट में है, यहां पे स्क्रू इसके कांटेक्ट में है ये आयरन स्ट्रिप के, तो ये पूरा एक कंप्लीट सर्किट बना रहा है और करंट इधर से ऐसा फ्लो होता हुआ जाएगा। जब पूरे में ऐसे करंट फ्लो होगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया तो ये क्या है, आयरन की स्ट्रिप है ना, और हमें पता है मैग्नेट क्या करता है, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसको अपनी तरफ खींचेगा। जब ये खींचेगा तो ये जो हैमर है ना, ये आपका हैमर है, ये क्या है आपका हैमर, ये हैमर जाके इस बेल से क्या होगा, टकराएगा और आवाज आएगी, है ना, जो आवाज आती है इसलिए आती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना, इसने आयरन स्ट्रिप यहां पे रखा हुआ है आपका जिसके अंदर हैमर है, इसकी तरफ खींचा, जैसे ही खींचेगा यहां पे बेल से ही टकराएगा और आवाज आएगी, तो आवाज इस तरीके से आती है, वही लिखा हुआ देखो, एंड इट बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट पुल्स द आयरन स्ट्रिप, जो अभी मैंने बताया खींच रहा है अपने आप को, एंड द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप, ये जो है ये आपका क्या है, हैमर है, ठीक है, स्ट्राइक द गोंग, इसको क्या बोलते हैं हम, गोंग बोलते हैं ना, ठीक है, स्ट्राइक द गोंग ऑफ द बेल एंड प्रोड्यूस दिस द साउंड, और साउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अच्छा अब एक बात देखो, जैसे स्ट्राइक किया तब साउंड प्रोड्यूस हुआ, इस स्विच का आगे चला गया तो इस स्क्रू का कॉन्टेक्ट आयरन स्ट्रिप से क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसे आयरन स्ट्रिप से कॉन्टेक्ट खत्म हुआ, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेट ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा और वो नॉर्मल हो जाएगा, यानी आवाज आनी बंद हो जाएगी। एक बार आवाज आनी बंद हो गई, उसने मैग्नेट की तरह बिहेव करना, इसने खींचा हुआ था, आवाज आ रही थी, करंट फ्लो होना बंद हो गया क्योंकि स्क्रू से कॉन्टेक्ट भी चला गया। उसके बाद जैसे ये करंट फ्लो होना बंद हुआ, ये पहले की तरह नॉर्मल हो गया, यानी अब इसको खींच के नहीं रखेगा, दोबारा से स्ट्रिप अपने पहले वाली पोजीशन पे आ गई। जैसे ही पहले वाली पोजीशन पे आई, फिर से कॉन्टेक्ट बन गया, फिर से करंट फ्लो होगा, फिर से खींचेगा, फिर से बॉल आएगी, ये आवाज आएगी, इस तरीके से ये बार बार प्रोसेस रिपीट होता रहता है, इस तरीके से हमें आवाज मिलती है। तो इलेक्ट्रिक बेल आपका इस तरीके से काम होता है। देखो लिखा होगा यहाँ पे, When the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit. जो मैंने बोला था कि contact खत्म हो जाता है, contact खत्म होने का मतलब circuit close हो गया, break हो गया, अब आगे current flow नहीं होगा, breaks the circuit and iron strip comes back to the original position and the process repeat and the bell thing. बार बार ये process repeat होता रहता है, जितने timer से आप set करो, जितने time तक करना है, और ये आवाज आती रहती है हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक बेल काम करता है, ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक जो
यूज है जो आप डेली लाइफ में देख रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा पढ़ के। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।